हौली हौली मेहनत ना नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ। अपने ते रख विश्वास बनते होए आम जेहे मुंडे भी नहीं पास बनते। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सो SOL के एडमिशन्स को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे और लगभग पिछले एक दो महीने से या दो तीन महीने से इसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि भैया ये बताइए कि हमारा जो SOL का एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए बेसिकली जो जिन बच्चों को नहीं पता कि SOL DU क्या है, तो देखिए SOL DU जो है वो आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उन बच्चों को जिनकी परसेंटेज जो है या तो ज़्यादा नहीं होती, फॉर एग्जांपल 70% होते हैं कुछ बच्चों को या फिर 80% होते हैं और वो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पाते, तो वो जो है बच्चे जो है SOL को ज्वाइन करते हैं, SOL के थ्रू जो है अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो कम मार्क्स वाले ही इसमें आते हैं, इसके अंदर वो बच्चे भी आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे CA की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं या BPSC, UPPSC, PCS, NDA कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी ग्रेजुएशन प्रस्यू करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL को जो है वो चूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। और इसकी क्लासेस जो हैं वो सैटरडे संडे दो क्लासेस लगती हैं हर वीक में, तो जो भी वहाँ पे बनाए जाते हैं आपके कैंपस उसके अंदर जो है आपकी क्लासेस लगती हैं। सो इसका एडमिशन जो है उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स है, तो यहाँ पर फाइनली एक न्यूज़ आ गई है जो कि लाइव हिंदुस्तान की तरफ से है, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, आप इस पर पूरा पूरा विश्वास कर सकते हो। सो एक एक करके मैं आपको पढ़कर लाइन सुना देता हूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नए सत्र में दाखिला करने को लेकर शिक्षा बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। सो यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, पहले मंजूरी नहीं थी, इसलिए DU अगले सप्ताह से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू कर सकता है। SOL के विशेष कार्य अधिकारी प्रोफेसर उमाशंकर पांडे ने बताया कि छात्रों को लंबे समय से SOL में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार था, हमारी हेल्पलाइन पर लगातार इससे जुड़े सवाल पूछे जाते थे। तो मुझे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे कि भैया कब स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए उम्मीद है कि आपका जो SOL में एडमिशन है वो सोमवार से शुरू हो सकता है, यानी कि आज सैटरडे हो गया, कल संडे हो गया और परसों से आपका जो है मे बी SOL एडमिशन जो है वो शुरू हो जाए। अगर सोमवार को नहीं शुरू होता है तो नेक्स्ट वीक तो पक्का इसके शुरू होने की पूरी पूरी आशंका है। और DU SOL की पहले जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी वो यही थी कि 30 अक्टूबर से पहले पहले आपका SOL में एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि SOL में जो है कितने साल हर साल कितने स्टूडेंट जो है दाखिला लेते हैं, तो 1,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हर साल DU SOL में दाखिला लेते हैं। और इसके अगर हम कोर्सेज की बात करें तो आपको यहाँ पे BA प्रोग्राम, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BCOM प्रोग्राम और BCOM ऑनर्स के कोर्सेज जो हैं मिल जाएंगे। सो SOL और रेगुलर का जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो उनका सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहता है, जो आपको रेगुलर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा वही जो सेम सिलेबस है वो SOL के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। सो इसमें आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया है CBCS, तो उसके अंदर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए हैं और अगर आप SOL से रेगुलर में आना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आवेदन के समय आपको फ़ीस भरनी होगी जो कि 3500 रुपये के करीबन होगी। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट, प्लस 2 की मार्कशीट और एक आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें तो कि आपको रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं, तो देखिए ऑनलाइन भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ में आपको बुक्स भी जो है वो DU SOL की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी बच्चे एनरोल होते हैं इस SOL में। तो देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ DU पे ही डिपेंडेंट मत रहिएगा, अगर आप SOL के थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हो तो SOL के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और SOL के रिलेटेड जब भी अपडेट आती है तो टाइम पर मिलती रहे। और अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि DU के किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी भी खाली बची हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।